अतिथि विद्वान शिक्षक अब अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सरकार से उनकी एक ही मांग है कि सरकार उन्हें नियमित करे। इसी भाजपा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों से महापंचायत लगाकर उस समय वादा किया था कि उन्हें नियमित किया जाएगा। अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भोपाल के नीलम पार्क में किया गया। अतिथि विद्वान शिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह भदौरिया ने बताया कि हमारी केवल एक ही मांग है कि हमें नियमित किया जाए, और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमसे पंचायत में वादा किया था कि वह हमें नियमित करेंगे। आज दिनांक तक हमें नियमित नहीं किया गया है। धरना प्रदर्शन कर हम सरकार को उनका वादा याद दिला रहे हैं। सुरजीत सिंह भदौरिया ने कहा कि अतिथि विद्वानों से सरकार ने वादा खिलाफी की है, अतः सरकार से अनुरोध है कि वह हमें नियमित करे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों का भविष्य अंधकार में है। ये तो प्रदर्शन हम 2.5 दशक से करने में लगे हुए हैं, 20 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान के कैबिनेट केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा हर हमेशा जो झुंझुना पकड़ा दिया जाता है हम लोगों को। और अतिथि विद्वान कहाँ जाएंगे? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बोलते थे कि 50 से 55 साल की उम्र हो चुकी है। कमलनाथ जी के लिए बोलते थे कि ये इस उम्र में कहाँ जाएंगे, रिक्त पद हैं, इन पर इनको नियुक्ति दे दो। वही सब चीज़ याद दिलाने के लिए आज हमको 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, तो हम याद दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि पहले आप हमारा नियमितीकरण जो आपने बोला था, जो आपने घोषणाएं की हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो फिर हम अगला स्टेप उठाएंगे, कुछ ना कुछ फिर करेंगे। आप एक तरफ रोजगार देने की बात करते हो और दूसरी तरफ आप अतिथि विद्वानों को, मेरी सीधी मांग है मैम, इतनी सारी मांगे हैं, आप प्लीज अपना कैमरा घुमाइए, क्या क्या बोल करके गए हैं। आप हमारे पदों को भरा हुआ मान लें, हमारे जो भाई बंधु बाहर हैं और आपके वचनों के बाद हैं, उनको एक विशेष व्यवस्था कीजिए। आपके पास पदों की कमी नहीं है, आप क्यों अतिथि विद्वानों को ही बेरोजगार करने पे तुले हैं? सरकार, प्रश्न मेरा नहीं है और आपका नहीं है कि सरकार वचन निभाएगी कि नहीं, जरूरत समय की ऐसी है कि सरकार को अपना वचन निभाना चाहिए। 2019 में विपक्ष में थे शिवराज जी, मैं आज तक ये बात बोलती हूँ, आपने जनता को वचन दिया, आपने अतिथि विद्वानों को एक लॉलीपॉप दिया, लेकिन आप सोचे कितने दिन झूठ की हांडी चढ़ेगी भाई, कितने दिन आप जनता को बेवकूफ बनाएंगे। 2019 में विपक्ष में थे, कुछ नहीं हुआ, हमने संतोष किया। 2023 में महापंचायत हुई, बीजेपी की कार्यनीति देखिए कि लोक लुभावने वादे शिवराज जी करते हैं अलग अलग प्रदेशों में जा करके, और मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाता है। आज मोहन यादव है, पर एटलीस्ट मोहन यादव उस टाइम हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने कहा था कि अतिथि विद्वान प्रदेश की शिक्षा की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यदि हम रीढ़ की हड्डी हैं, तो आपको तो हमें और अच्छे से रखना चाहिए ना, आप हमें आंदोलन करने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।